हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आप टेक्नो यूजर हैं, अगर आपके पास टेक्नो का फ़ोन है तो आपके पास एक प्रॉब्लम फेस करना होगा। शायद आप फेस कर भी रहे होंगे क्योंकि मैंने भी ये प्रॉब्लम फेस किया है। ऑटोमेटिकली फ़ोन रीस्टार्ट होता है, कभी बंद हो जाता है तो फिर कभी चालू होता है, फिर कभी चालू ही नहीं होता है तो फिर चालू हो जाता है। इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम आपके साथ भी अगर आ रहा है तो, हालांकि मैं भी 2-3 दिन बहुत परेशान रहा, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मैं सोल्यूशन इसका ढूंढ लिया हूँ। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये टेक्नो का फ़ोन है और ये टेक्नो का फ़ोन का मैं इलाज करने जा रहा हूं। इसको कैसे आपके सामने करना है जो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट वाला है। सबसे पहले क्या करना है, फ़ोन को बंद कर लेना है। ठीक है, फ़ोन बंद नहीं है, चालू नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, पावर बटन को और वॉल्यूम डाउन बटन को दोनों को एक साथ दबा के रखना है, लॉन्ग प्रेस करके रखना है काफ़ी देर तक, जब तक नहीं छोड़ना है, जब तक यहाँ की लोगो देखने के बाद, लोगो के बाद एक और ऑप्शन आपके पास आएगा, यहाँ पे नो कमांड का ऑप्शन आएगा। ओके, यहाँ पे नो कमांड का जब तक ऑप्शन नहीं आएगा तब तक आपको छोड़ना नहीं है। तो इतना आने के बाद अब क्या करना है, आगे का प्रोसेस ये मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद क्या करना है, फिर से पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन दोनों को प्रेस करके छोड़ना है। ठीक है, प्रेस करके छोड़ना है बीच में। अगर आप लॉन्ग प्रेस कर रहे हैं तो लॉन्ग प्रेस में काम कर जाएगा कभी कभी, अगर कभी कभी नहीं काम कर रहा है तो दबा के छोड़ना है, दबा के छोड़ना है। 2-3 बार ऐसे करोगे तो आपका फिर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप 2-3 बार दबाओगे तो फिर इस तरीके से आपका, हाँ, आपका ऑप्शन मिल जाएगा। अब ये ऑप्शन आपको दिखने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेगा, रिबूट, फैक्ट्री डाटा रीसेट, वाइप डाटा रीसेट। ठीक है, तो अगर आपका डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है तो एक बार आप ना फैक्ट्री डाटा रीसेट यहाँ से कर दीजिए। ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट डाटा है तो रिबूट कर दीजिए, ऊपर वाला सिस्टम ना, रिबूट सिस्टम ना। ओके, ऊपर नीचे करने के लिए वॉल्यूम बटन और पावर बटन अथी डाउन बटन और बटन का इस्तेमाल करना है। ओके करने के लिए पावर बटन का इस्तेमाल करना है, तो मैंने ओके कर दिया यहाँ पर पावर बटन दबा को रिबूट सिस्टम पे। अब इसको क्या करना है, यहाँ से आपका फ़ोन जो है स्टक हो गया होगा, इसे स्टक हो जाता है कभी कभार, तो स्टक जो होता है प्रॉब्लम वो हट जाता है। ठीक है, ये जो आपका प्रॉब्लम था स्टक वाला वो तो हट गया, लेकिन अब आगे क्या करना है ये मैं आपको आगे वीडियो में बता रहा हूँ। अभी इसको फ़ोन को ऑन हो जाने देते हैं, और जैसे ही ये फ़ोन ऑन होगा उसके बाद मैं जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है वो वाला मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि आपका ये फ़ोन यहाँ पे ऑन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे फ़ोन आपका जब ऑन हो जाएगा तो लॉक खोलने के बाद ना आपको जाना है सेटिंग में। ओके, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद ना आपको ढूंढना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि मोबाइल अभी पूरा तरीके से खुला नहीं है तो इसको ना सेटिंग ढूंढते हैं। ओके, सेटिंग ढूंढते हैं, इसको नीचे जाते हैं सेटिंग में, और सेटिंग यहाँ पे सेटिंग मिल गया। और ये सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ना आपको ढूंढना है, अगर आपको नहीं मिलेगा तो फिर आप सर्च करके भी ला सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे मिल जाता है, नीचे अगर आप जाओगे, नीचे जाओगे तो यहाँ पे सिस्टम करके ऑप्शन दिखेगा, सिस्टम करके ऑप्शन दिखेगा, और सिस्टम करके ऑप्शन दिखेगा। सिस्टम अगर नहीं दिख रहा है तो आप वहाँ पर डायरेक्ट सर्च में कीजिए सॉफ्टवेयर अपडेट। ठीक है, या फिर सिस्टम अपडेट, इस तरीके से अगर आप डालेंगे तो यहाँ पे अपडेट करने का यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। और इसको वाईफाई अगर आपके पास है, नेट है, तो यहाँ पे 1 GB से 1.5 GB लगेगा, और इसको अपडेट कर दीजिए एक बार सॉफ्टवेयर को, क्योंकि अपडेट हो जाएगा तो फिर आपका जो प्रॉब्लम जो है 99% लोगों का तो सॉल्व हो जाएगा। बाकी का लोगों का अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो एक बार उसको रीसेट मार के देखिए। ठीक है, क्योंकि वाइप डाटा पूरा फैक्ट्री रीसेट कर दोगे तो फिर आपको ऑलमोस्ट प्रॉब्लम सारे को डन हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, और उससे अगर नहीं हो रहा तो यहाँ देखो, यहाँ पर दोबारा बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर कई सारे यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। ठीक है, रीसेट ऐप परफॉर्मेंस, इसको भी मार सकते हो अगर आपका कोई ऐप इंपॉर्टेंट नहीं है तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब सारा कुछ रीसेट मार देंगे ना तो आपका जो है ना वो प्रॉब्लम वो सब हट जाएगा। ये सब चलते चलते 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद, कभी कभी तो 1 साल के बाद ही ऐसे प्रॉब्लम देखने लगता है। ठीक है ना, तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व होने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ, अगर आपका बैटरी ख़राब है वाकई में, तो बैटरी ख़राब होने की वजह से भी कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है। ठीक है, आप देख लो आपका क्या प्रॉब्लम है, अगर नॉर्मल प्रॉब्लम होगा तो इस समस्या से आपका